नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खरगोन विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर सोमवार को जिला अस्पताल में निशुल्क परामर्श चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इसमें मरीजों ने पहुंचकर जांच उपचार कराया। डॉक्टर शुभम महाजन ने बताया, शिविर में 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ जन शामिल हुए। इनमें अस्थि रोग विशेषज्ञ, चिकित्सक के लकवा, ज्वाइंट पेन, साइटिका, फ्रोजन शोल्डर, अन्य परेशानियों से ग्रस्त मरीजों का जांच उपचार किया गया। इसके अलावा मानसिक रोग, स्त्री रोग, एमरी चिकित्सकों ने भी अपनी सेवाएं दी। शिविर के दौरान मरीजों का आभा कार्ड भी बनाया गया। उन्होंने कहा, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को फिजियोथेरेपी के महत्व के बारे में जागरूक करना है। फिजियोथेरेपी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से राहत प्रदान करती है और इसके लिए दवाओं की आवश्यकता नहीं होती। फिजियोथेरेपी से न केवल शरीर की अकड़न दूर होती है बल्कि शरीर में लचीलापन भी बना रहता है। ये दवाई गोली ले लेना, दांत दर्द के लिए खास में दिखा दो, है ना? ये दांत दर्द के लिए खास में कल के दिन 8 तारीख सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस था। शासन की मंशा अनुसार आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के उपलक्ष्य में वृद्ध जनों का एक शिविर रखा गया है। फिजियोथेरेपी हमारे जांच और इलाज की एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है। पहले इतने फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं होते थे, अभी भी कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाओं की आवश्यकता बहुत सी बीमारियों के अंदर होती है और विशेषकर जो वृद्ध जनों को बीमारियां होती हैं, जैसे लकवा है, इवन हार्ट डिजीज है, तो विकलांगता है, तो बहुत सारी जगह जो है मतलब इसका एप्लीकेशन लगता है। तो सरकार ने ये वाली व्यवस्था की है और इसी उपलक्ष में लगाया गया कि हमारे सिकल सेल के लोगों को भी फिजियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। तो विभिन्न प्रकार के मरीजों को फिजियोथेरेपी की सहायता से भी जो है उनका उपचार किया जा सके, यही इसका उद्देश्य है। जैसा कि सिविल सर्जन डॉक्टर अमर सर ने बताया कि राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमने विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के उपलक्ष्य में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। इस स्वास्थ्य शिविर में एक ही छत के नीचे
हमारे सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो एक ही छत के नीचे बैठकर समस्त जितने भी वृद्धजन है व अन्य मरीज हैं उन सब मरीजों की अलग अलग तरीके की जांच होगी, उनका उपचार होगा और उनकी फिजियोथेरेपी के थ्रू उसके थ्रू उनकी जो भी तकलीफ है उसे दूर किए जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मेडिसिन विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, चमड़ी के जो डॉक्टर होते हैं वो, कार्डियोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, सारी तरीके की सुविधाएं हमने एक ही छत के नीचे रखी है और समस्त वृद्धजनों के साथ साथ अन्य मरीज जिन्हें भी ये सब तकलीफें हैं उन्हें एक ही छत के नीचे हमने यहाँ पर बुलाया ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। और लगभग ये मान के चलते हैं कि आज हमने जिस प्रकार का प्रचार प्रसार किया है उस हिसाब से आज हमारे पास 300 से 400 के लगभग मरीज आने की हमें एक्सपेक्टेड है कि लगभग इतने मरीज हमारे पास आएंगे। मैं डॉक्टर शुभम महाजन, फिजियोथेरेपिस्ट, जिला अस्पताल खरगोन। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।